सो गाइस आज है हमारा 11th डे एंड वी आर इन केरला और फाइनली वी आर इन केरला। हम लोग केरला जो एंटर कर चुके हैं। वरुण भैया इधर ही कहीं थे, कहाँ गए? अच्छा, वरुण भाई जो इधर है, तो वी आर ऑल सेट टू लीव। और आज हम सबसे पहली बार जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वो करीबन 10:42 हो रहा है एंड वी हैव टू रीच समवेयर बाय 11:30। ठीक है, तो हम जिस होटल में रुके थे, ब्रेकफास्ट जो है वो कैसा था भाई? मैं तो खाया ही नहीं यार, ब्रेकफास्ट नहीं खा पाए क्योंकि हमें लगा था कि बुफे होगा, तो सूख गया, पम जो था। अच्छा, वैसे अपने वाला वेज वाला तो ठीक था, ठीक ही था, वेज वाला ठीक था ना, देखने के लिए ही था वो, हमने देखा और पेट भर गया हमारा। खाने की जरूरत थी। कल हमने डिनर कितने का खाया था? 1500 कुछ। 1600 भाई, कौन सा 1500? 1600 कुछ का बिल आया था। लास्ट में आपको बताएंगे कितने पैसे स्पेंड हुए। अकाउंटेंट मैनेजर। और वरुण भाई आज शर्ट पैंट और नीचे चप्पल, स्टाइल है बाबू भाई का, स्टाइल है ये। ठीक है, सो इस होटल में आप लोगों को की वाला ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें असली चाबी वाला ऑप्शन मिलता है। इसमें कार्ड की नहीं है, इसमें ओरिजिनल की है। पर ठीक है यार, फर्क करके साथ लाइक जितने भी होटल्स हमने बाद में लाइक रात को देखे, हमने कम से कम 7-8 होटल देखे, उसमें से हमें यही सही लगा। सो वी थॉट स्टेइंग हियर। लिफ्ट से जाएंगे? यस, बिकॉज़ वी आर सो अनहेल्दी एंड सो अनफिट कि हम लिफ्ट से ही जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं होटल के बाहर एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जिन जिन लोगों को नहीं पता है, दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय www.bootmo.com। bootmo.com जो है वो है स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। आपको किसी भी गाड़ी का अगर स्पेयर पार्ट चाहिए और आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग bootmo.com से अपने जो डोर स्टेप है उनमें इसको मंगा सकते हो। दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय bootmo.com, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। फुल स्टिकरिंग जो है वो हम लोगों ने bootmo को सजेस्ट किया, bootmo ने हम लोगों को करा के दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि अपने आप कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर सको तो www.bootmo.com से या तो आप लोग वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो आप लोग गूगल पे और ऐप स्टोर में भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। सो ऑर्डर योर स्पेयर पार्ट्स एक्सपर्ट से अपने स्पेयर पार्ट राइट नाउ। फ्रूट शॉप, केले केले केले, एवरीबॉडी केले। गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी मेन लोकेशन में जहाँ पर हम शूट करने वाले हैं। थोड़ी सी आवाज़ अगर आप लोगों को आसपास से आए तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि पालागढ़ में कुछ स्पेशल चीज़ आने वाली है, अगेन ये पार्ट ऑफ व्लॉग में चल रहा है, गाड़ियों के बारे में जो है आपको दिखा देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर व्लॉग भी आएगा, ओवरव्यू टाइप दिखा रहे हैं। हाँ, एक ओवरव्यू है। तो ठीक है भाई, तो प्रेजेंटिंग यू ऑल ईवो कस्टम्स, जिनके पास हम लोग आज आए हुए हैं, जिनके पास मैं आप लोगों को सारे मॉड्स दिखाने वाला हूँ। तो विशाल भाई एक बार चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है भाई का इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको। सो आप लोगों को जो आज मैं गाड़ी दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ अ माइक्रा, इट लुक्स सुपर डुपर नाइस। तो सबसे पहले जो इसके ओनर है उनसे मिलते हैं। हाउ आर यू ब्रदर? आई एम फाइन सर। तो ब्रदर एक बार अपना नाम बताइए। आजिम, एज इट आई एम आजिम। आजिम भाई, ही ओन्स ईवो कस्टम्स। या, तो हिंदी में अभी अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो विशाल भाई जो है वो थोड़ा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट कार यू ओन्स एंड क्या क्या मॉड्स उसमें आपने कराया होगा? ओके, आई ओन माइक्रा 1.2 सीवीटी। ओके, एक्चुअली वी आर डूइंग एयर सस्पेंशन 17 इंच अलॉयज। ओके, देन वी हैव कस्टम ऑलोट्रॉनिक स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट। ओके, देन पेंट जॉब। देन द पेंट जॉब। तो मैं अब आप लोगों को इजी शब्दों में बता देता हूँ, तो जो ये पूरी माइक्रा आप लोग देख रहे हो इसके अंदर एयर सस्पेंशन है। व्हाट केरला इज फेमस फॉर, पालागाड़ में जो आप लोगों को, अगर आप लोग ईवो कस्टम्स देखते हो, दे आर दी वन ऑफ दी फाइनेस्ट जो कस्टम जो है आप लोगों को जो है काम करते हुए देखने को मिलेंगे। अगेन कितने इंचेस के अलॉयज है? 17 इंचेस के आप लोग देख सकते हो, नियो के जो है अलॉय व्हील्स इसके अंदर डले हुए हैं। और जो एयर सस्पेंशन है, इज इट सक्सेसफुल और नॉट? या, इट्स सक्सेसफुल फॉर ऑल कार्स। या या, नो इश्यूज। तो भाई एयर सस्पेंशन का बताया, बाकी जब ये गाड़ी चलेगी आपको और जो है इसके बारे में बता पाएंगे। आप लोग यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम में और इनके बारे में जान सकते हो। सो व्हाट अबाउट द इंटीरियर, एनी टच ऑन द इंटीरियर? लेदर सीट्स डन एंड इंटीरियर रूफ एंड ऑल डन इट टू ब्लैक। ओके, द रूफ इज आल्सो ब्लैक। ओके, देन वी डू लेदर स्टीयरिंग कवर्स एंड ऑडियो आल्सो। सो व्हाट वी विल डू, अभी तो हमने गाड़ी दिखाया नॉर्मल, अभी आवाज सुनाना है, जो चलते हुए दिखाना है वो बाद में हम लोग शूट करेंगे, ठीक है ना। वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है इसके अंदर, तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है, ही विल टर्न इट ऑन आल्सो। केरला में अभी क्या है, मतलब मॉड्स में कोई दिक्कत होता है क्या? या, अभी है मॉडिफिकेशन में दिक्कत आता है।
तो वेल्वेट्रॉनिक जो एग्जॉस्ट है वो सबसे बेस्ट है। एंड अगेन अभी जो है भाई का पूरा जो वेयर हाउस है या फिर आप लोग कह सकते हो पूरा जो शोरूम है वो अभी रेडी होने वाला है। सो आजिम भाई लेट्स गो इनसाइड, अपनी एक बारी जिप्सी के बारे में दिखाते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है आई एम ऑल्सो ए हार्ट कोर लवर की मेरे को जो है जिप्सी का बड़ा शौक है। तो हमारे साथ एक भाई, भाई का नाम बताइए। दीपक। दीपक भाई विद अस। दीपक भाई हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, समझ आता है, बोल भी सकते हो? आई अंडरस्टैंड। ठीक है भाई समझ सकते हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? श्रीनाथ। श्रीनाथ ओके भाई, तो आप लोगों को जो आज दूसरी गाड़ी दिखाने वाले जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को चांस मिलेगा मैं चला भी पाऊंगा, ठीक है। सो विल बी गोइंग टू कावा। अच्छा वी ए, तो इट्स अ डैम और क्या क्या चीज़ है? चलो तो थोड़ा सा टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस दिस जिप्सी, हाउ यू प्रिपेयर्ड इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर इनसाइड? वी हैड डन ट्रैक बम्पर्स एंड वी हैड चेंज्ड द सस्पेंशन अलॉयज एंड ऑफ रोड टायर्स। ऑफ रोड टायर्स, या देन वी हैड डन एन कस्टम वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट, स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट। ओके, वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट ऑन द साइड्स। या ऑन द साइड्स। ओके सो गाइज, आप लोगों को मैं थोड़ा सा और इसके बारे में ब्रीफिंग देता हूँ। अगेन जिप्सी का लवर मैं बहुत अच्छा हूँ, तो जो आप लोग फ्रंट देख रहे हो तो ये आप लोगों का लोहा तगड़े वाला जो फ्रंट बम्पर होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो आप लोगों की बार लाइट लगी हुई है। अगेन इसके अंदर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं एंड दिस लुक्स रियली रियली नाइस। और इसके अंदर आप लोगों को 1.3 लीटर का इंजन नहीं है? व्हाट इंजन इज दिस? नॉर्मल जिप्सी इंजन, एमपीएस इंजन। अच्छा सेम जिप्सी वाला इंजन है। तो भाई एक बार आप लोग देख लो, ठीक है, दिस इज हाउ द कार लुक्स लाइक। अगेन जितने भी लोग जिप्सी का ऑलरेडी मेरा व्लॉग देखते हुए उनको ऑलरेडी पता होगा कि वी आर ऑल्सो दी हार्ड कॉर लवर्स फॉर दी जिप्सी। तो ऑल दो हमने सोल्ड आउट कर दिया लेकिन स्टिल इट्स नाइस। तो इसमें पावर स्टेयरिंग है? या पावर स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग लगा हुआ। पावर स्टेयरिंग वी हैव डन इट एंड वी आर प्लानिंग फॉर एसी ऑल्सो। वेरी नाइस। तो ये आप लोगों का कुछ ऐसा लुक है, और जो अगर देखना चाहते हैं तो दीज आर योर ऑफ रोडिंग, दीज आर ऑल टेरेन टायर्स? या नो, एम्प्टी टायर्स, माउंटेड टायर। ओके, दीज आर एम्प्टी टायर्स, सो मत टेरेन टायर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किए। अगेन बहुत अच्छे ओवरव्यू से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो टर्न ऑन हो चुका है आपका एग्जॉस्ट का पूरा आवाज। तो आसिम भाई वी आर गुड टू गो। या और कार्स हमारी आने वाली है, मोर कार्स वुड बी जॉइनिंग अस, सो वी आर डायरेक्टली लीविंग फॉर कावा। सो रास्ते में अगर आपको कुछ दिखाने को मिला तो बताएंगे। सो रिएक्शन टाइम, वरुण भाई कैसा लग रहा है अभी तक? मतलब आपने जो दिल्ली टू पूरा अभी तक केरला ट्रेवल किया, द बेस्ट पार्ट जो है वो अभी आया कि नहीं आया? भाई बहुत बढ़िया यार, मतलब केरला वैसे भी यार बहुत सुंदर है, ये तो भाई अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्या कहता आकृति? अपने वाली जिप्सी की याद आ गई। सो मोस्ट प्रोबब्ली वी विल गेट अ चांस टू ड्राइव दिस कार एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स लीव। और हमारे पास अभी दो तीन गाड़ियां और ज्वाइन करेगी। यस। कौन कौन सा होगा? एक तो पोलो है, दो पोलो है, रैंगलर है, टू पोलोज एंड रैंगलर, तो मतलब फाइव हमारी कार जो है वो आने वाली है। सो लेट्स गो देयर। एंड एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्लॉग, तो ये चीज अभी मैं दिखाना नहीं चाहता, ये वंस वी विल बी रीचिंग देयर वी विल बी कवरिंग दिस थिंग। अगर आप लोगों को ये पूरा देखना है व्हाट इज दिस, क्या हुआ हुआ है इसके अंदर, तो वी विल बी मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट, ठीक है? सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, विल शो इट। और थोड़ा देख लो, ओवरव्यू देखने में कुछ नहीं जा रहा अभी, लेकिन जब पूरा रियल वीडियो आएगा यू विल हैव अ सुपर फन। सो लेट्स लीव एंड देन वी विल हैव मोर कन्वर्सेशन अबाउट इट। सो गाइस, हमने श्री गणेश कर दिया इस गाड़ी को चलाने का। ओह माय गॉड, व्हाट अ फीलिंग मैन, मतलब इतने टाइम बाद जिप्सी चलाने का फिर से मौका मिला। एंड राइट नाउ थोड़ा सा माइक्रा जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज कम है, आराम से निकाला जाएगा लेकिन इट फील सो नाइस। तो फ्यूल अभी कम है, वी हैव टू फिल द फ्यूल ऑल्सो, तो आकृति जो है 0.5 में शूट कर रही है, बहुत नीचे है फ्यूल, कोई बात नहीं, फ्यूल मत दिखाओ, तुम एंजॉयमेंट दिखाओ। गाड़ी की सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है ब्रो, सुपर कम्फर्टेबल। अगर मैंने लाइफ में पहली बार जिप्सी चलाया होता, Nobody is ready to stop here, bro. सबको पहले निकलना है। कैसी फील आ रही है? वेरी नाइस। अब मेरे को लग रहा है वहां पे जाके एक और जिप्सी बनने वाली है। We have to follow that bike because everybody is going to take a U-turn and हमें सीधा जाना है।
आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक बार देखो आरपीएम मीटर, दिस इज योर आरपीएम मीटर. इतना लाइट है आगे की शो ही नहीं हो रहा. So guys, it was a super fun. अभी तक हम लोग अपनी जिप्सी चलाते हुए आ रहे थे, बड़ा मजा आया. विशाल भाई, अरे भाई हो गया भाई, बाद में कर लेंगे. जेन हो गया भाई. अरे स्विफ्ट पहले आई थी, मैं कह रहा हूँ मारुति का जो 1300 सीसी वाला इंजन था वो स्विफ्ट से आया था सबसे पहले. दादा सबसे पहले स्टीम आई थी या स्विफ्ट आई थी? सबसे पहले स्टीम आई थी. तो स्टीम से 1.3 आया. हाँ तो फिर स्टीम से 1.3 आया. फैक्ट टू बी करेक्टेड. इसके बाद हमारा बलिनो का भी एक इंजन होता था बड़ा जबरदस्त वाला, क्योंकि गाड़ियों में बाद में आई है ना. हाँ तो बलिनो तो 1.5 आता था. पुरानी वाली जो आती थी भाई. तो अभी हम लोग खा रहे हैं, सॉरी पी रहे हैं गाजर का हलवा कह रहा हूँ. कौन सा है भाई ये, क्या बोलते हैं इसको? गन्ने का जूस पी रहे हैं हम लोग ना. मजेदार है वैसे ना, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में. एंड वेयर वी आर गोइंग ना उधर भाई, ऐसा ड्रोन उड़ेगा कि उड़ ना जाए कहीं ऊपर. डर इस बात का जैसे आप लोगों को दिखता है ना भाई अंतरिक्ष से, ऐसे भारत हमारा ऐसे दिखता है, ऐसे आपको केरला दिखा देंगे. चलो है बढ़िया. सो आजिम भाई ने अभी हमें ज्वाइन किया, हम लोगों ने आजिम भाई और हमने पिया गन्ने का जूस. आजिम भाई गन्ने का जूस हाउ वाज इट? ये गुड वन. गुड, इट वाज गुड ना. ठीक है, कैसा लगा भाइयों? भाई मजा एकदम बढ़िया क्लास. थोड़ा बर्फ होता तो और मजा आता. ऐसे अच्छा था. अन्ना हाउ मच मनी? 120. हिंदी समझ आता है? नहीं आता तो ये कैसे समझा? गर्मी बहुत है लेकिन यार गर्मी हो कुछ भी अपने को जिप्सी चलाने से मतलब है. अपने को जिप्सी चलाने का बहुत क्रेज है और मजा भी आ रहा है. स्कॉटिंग चल रही है. मैं बीच में ऐसा लग रहा है कि काला हो गया और आधा एकदम सफेद हो गया. गाइस कुछ ऐसा सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा. एग्जॉस्ट साउंड भी साथ में सुन रहे होंगे आप लोग. तो हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर अपन लोग ड्रोन उड़ा सके. ये पाइपें तो मत दिखाओ, सीधे दिखाओ. पाम ट्रीज दिखाओ, इतने प्यारे पाम ट्रीज है. रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सेक्सी है भाई. केरला का रास्ता बहुत अच्छा है. इट फील्स वेरी नाइस है. और भाई देखो अपने को जो चाहिए था, अपने को चाहिए जिप्सी और केरला, अपन को दोनों मिल गया. बच्चानी लाइफ, वेरी नाइस लाइफ, फील्स रियली नाइस. और मेरे मुंह में एक स्माइल बनी हुई है कॉन्टिन्यूस. ऑल दो हमसे जब हम चला रहे थे ये वाला जो शीशा ये गिर गया, मोस्ट प्रॉब्ली रस्टिंग हो रखा था तो गिर गया, लेकिन स्टिल भाई चला रहे हैं. थोड़ा केयरफुल होकर चलाना. अब दूसरा वाला नहीं गिरा, अब दूसरा वाला नहीं गिरना. अभी हम लोग आ चुके हैं पैराडाइज में. नीचे देख रहे हो आप लोग, देखो वो देखो, और आगे देखो हमारा सेटअप जो गाड़ियों का चल रहा है. सो वी हैव टू पोलो, एक अपने यहाँ जो है माइक्रा है, एंड ड्राइव जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये रोड खत्म हो गया. नथिंग इज हियर ब्रो, नथिंग इज हियर, सिर्फ पानी और पहाड़. एंड उसके ऊपर द सुपर फन इज ड्राइविंग दिस अमेजिंग जिप्सी. इट फील्स सो 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 नाइस. ऐसा लग रहा है कि बस इधर ही रुक जाओ, ना लाइफ में इधर ही रुक जाओ. गर्मी वर्मी सब चलेगी अब, सिर्फ मजा. भाई जिप्सी में बैठने के बाद मुझे गर्मी लगती नहीं है. मेरे को तो लगती है.
so nice and I'm loving Kerala. I'm just loving it. कि आप लोगों ने अगर अभी यहाँ तक पूरा व्लॉग देखा है तो आप लोगों को जो है मज़ा आया होगा। अगेन पालागढ़ में जो है वी स्टार्टेड दिस पूरा जो अपना ट्रिप था और बढ़िया तरीके से जो है हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। विशाल कैसा लगा लोकेशन जहाँ तक अभी तक हम पहुँचे? बहुत बढ़िया यार, बहुत अमेजिंग। इट वॉज सुपर डुपर नाइस। और जो पानी का कलर था वो कौन सा कलर था? टर्कोइज टाइप, सियान टाइप कलर था, मतलब फील था। सो वी वर प्लानिंग दिस ट्रिप फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स। वी प्लान कि हम लोग भूटान भी जाएंगे, लेकिन समहाउ जो है वी एंडेड अप कि हमारा पहला जो ट्रिप होगा दैट वुड बी केरला। तो आप लोगों को जो मैंने बताया कि अभी तो केवल मैं आप लोगों को गाड़ी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आसिम भाई फ्रॉम ईवो कस्टम्स जो है वो हमारे साथ है। तो आसिम भाई कितना हिंदी बोल सकते हो अभी? थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल सकते हो। तो आसिम भाई, ईवो कस्टम जो है आपने कब स्टार्ट किया, कैसा काम, क्या क्या आप करते हो, कैसा रिस्पॉन्स है, हाउ द पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू इट? स्टार्टेड आई गो इन 2015। ओके, नाउ इट्स 5 इयर्स। We're mainly doing body kits and painting job. Body kits and painting job. Yeah. And how's the response in Palghat? Palghat is a bit less compared to other states in Kerala. Other district comparing to Cochin and Thrissur. Okay. लेकिन काम बढ़िया है? Yeah, buddy. सब बढ़िया? सब बढ़िया। चलो ये बहुत बात है। आसिम भाई ने आप लोगों को जो है सब चीज़ें बताई है। तो आसिम भाई ने जो है ये गाड़ी भी जो अपना जिप्सी है इसको प्रिपेयर किया। तो आसिम भाई कितना टाइम लगा इस जिप्सी को तैयार होने में? टू मंथ्स में तैयार हुआ। तो पूरा जो है स्टॉक को चेंज किया या फिर पहले ये डिस्पोजल वाली थी? वाज इट अ डिस्पोजल कार और? नो, इट्स एन रनिंग कंडीशन कार। इट्स टेकन फ्रॉम मिलिट्री। ओके, मिलिट्री वाला जो ऑक्शन होता है। तो आप लोगों को जो है मैंने इस गाड़ी के बारे में ऑलरेडी बताया था। सो ये जो करेंट लोकेशन है, ये लोकेशन को क्या बोलते हैं? मलंबडा डैम। डैम है ये हमारा, ठीक है ना। और इसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि केरला में जो है काफी ट्रेंड इन है कि आप लोग जो है अपनी गाड़ी के अंदर क्या चीज लगाने का बनता है? Air suspension. तो जैसा भाई से पूछा कि is it successful or not? Yeah, it's successful. In every car or in some cars? In my car, it's perfectly okay. Okay. In other cars, you can face some problem. So again, जो एक dedicated video है, वो मैं आप लोगों के पास जरूर लेके आऊंगा। इस vlog में अगर हर गाड़ी के बारे में पूरा dedicated बताऊंगा, तो video थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। So moving to our third car, and मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा दीपक भाई। दीपक भाई हिंदी में बात करेंगे थोड़ा सा। दीपक भाई कैसे हो? I'm good. नहीं, हमें बहुत अच्छा बोलो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। सो दीपक भाई ने जो अपनी गाड़ी तैयार कर रखी है, इट्स अ सुपर डुपर लुकिंग कार। और दीपक भाई कैसे, मतलब केरला का व्हाट ट्रेंड इज गोइंग ऑन इन केरला अबाउट द मॉडिफिकेशंस? नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर मॉडिफाइंग अ लॉट एंड पोलो कार्स आर देयर ऑल ओवर केरला एंड डूइंग गुड एक्चुअली। या दे आर डूइंग गुड। वी कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ कार्स, ऑल काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस वी कैन फाइंड। और एक चीज और मेरे को बताना कि यू हैव रीमैप्ड इट और नॉट? Yeah, I've done a stage 2 map. Okay. Then installed a downpipe. Okay. And a diesel exhaust. तो अभी देखो, अभी आप लोगों को जो है गाड़ी के बारे में हमने केवल दिखाया, एक डेडिकेटेड वीडियो जब बताएंगे तब पूरा अच्छे से बताएंगे। What I like most about this car, एक तो जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरते हैं तो थोड़ा सा बचा के निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर सीधे निकाला तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ यू लाइक फ्लाई फ्रॉम दी ब्रेकर, क्या होता है फिर? No, I can damage my bumper, so I have to take care of it. विशाल कैसा लगा, मतलब जो एक ट्रेंड है केरला का
how the people are responding to it. कैसा लग रहा है? Amazing यार, मैं मतलब Instagram के नाम पे follow करता था. ठीक है. देख के तो भाई. और एक चीज और है कि देखो भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर जरूर है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या चीज है, दे आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. हम लोग भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि जितने तरीके से आपको बता सके. अगेन डेडिकेटेड वीडियो विल बी कमिंग सुपर डुपर सून. सो द मोस्ट, मैंने जो अभी तक का गाड़ी देखा, बहुत प्यार से भाई वॉज ड्राइविंग दिस कार वेरी वेरी केयरफुली. तो ब्रदर, व्हाट ऑल मॉड्स आर देयर इन दिस कार? जस्ट डन द 17 इंच व्हील्स. ओके. देन आफ्टरमार्केट हेडलाइट. ओके. एंड दिस वन इज ऑडी वाला? ऑडी. ऑडी लाइट्स, ऑडी हेडलाइट्स, ऑडी टाइप हेडलाइट्स. And this car looks really dope. And why like people in Kerala prefer to go for Polo for the mods? It is suitable for all kind of mods. You'll get everything for it. So bhai, ek bar aap log dekh lo. And again, dedicated video जरूर जल्दी लेके आएंगे. तो वरुण भाई, you also owns a Polo. तो भाई कैसा feel है भाई? इधर की Polo और Delhi का Polo में क्या फर्क है? भाई मेरे को तो खुद देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ करते हैं पोलो के साथ. पोलो के साथ कुछ किया जाएगा भाई, अगर कुछ नेक्स्ट लेवल चीज आपको देखनी है ना गाड़ियों में तो भाई केरला आओ सच में, जेन्युइनली. चलो भाई, बहुत अच्छी बात है. ऐसा नजारा कभी देखा नहीं पोलो का. तो भाई देखो, अभी आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है, जो फीचर माय कार या डेडिकेटेड वाला वीडियो है, विल बी कमिंग अप विथ ये अपना ब्लू कलर वाला जो पोलो है, विथ आप लोगों का ऑडी टाइप जो है हेडलाइट, दिस वन विद द स्टेज 2 रीमैप. और मोस्ट प्रोबब्ली ये रीमैप किससे करवाया आपने? RBR, रेड बैंड रेसिंग. सो आई एम मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू शूट देयर ऑल्सो. ओके. तो बस दिस इज गुड. डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ सोने में सुहागा? सॉरी. क्या हुआ, हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी तो हुआ सोने का सुहागा. नहीं, इसका मतलब उसका क्या बोलते हैं? मैं बताता हूँ, इसका अर्थ है. क्या मतलब है इसका भाई? बेसिकली मतलब हम गए किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए और उस पे आपको कुछ और मतलब ऐड. व्हेन यू गेट समथिंग आउट ऑफ व्हाट यार क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड बट यू गेट समथिंग बेटर, दैट इज सोने में सुहागा. ओके ओके ओके, नाउ यू गॉट इट. ओके, सो वी हैव सम न्यू मेंबर्स आल्सो. व्हाट्स योर नेम? वरुण. वरुण, व्हाट्स योर नेम? आनंद. आनंद भाई, एक और भाई था ना जो फोटो ले रहे थे, कहाँ गए दो भाई? अच्छा, ऊपर से ले रहे क्या? अच्छा चलो ठीक है. तो इधर का जो है, हम लोगों ने आप लोगों को पूरा दिखा दिया पालगढ़ में. इफ यू आर कमिंग फॉर दी मॉड्स, तो किसके पास आना है? ईवो कस्टम्स. ठीक है, ब्रदर का नंबर जो है विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज बी द पार्ट ऑफ इट. एंड अगेन, मॉड्स आर मेंट टू बी डन इन अ गुड वे, विच भाई इज डूइंग. सो सपोर्ट, प्यार, लव, रिस्पेक्ट. सो गाइज, हमारा शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. वीडियो जो है वो इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी. ठीक है, सो वी आर फॉलोइंग देम. और अभी हम लोग एक बार कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, गैस हो गई है. व्यू लुक्स सुपर डुपर नाइस. एंड हियर वी गो, सुपर फन इन केरला. एंड मोस्ट प्रोबब्ली आगे आने वाले और शहरों में मजा आएगा. सो गाइज, तो फाइनली वी आर कमिंग टू आवर थर्ड होटल, जहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे. लेकिन अच्छा है, मतलब इधर थोड़ा वाइब अच्छा है. वरुण को क्या प्रॉब्लम है वरुण के साथ? वरुण जो है सस्ती जगह में खाना नहीं खाता. इसको चाहिए बिल्कुल महंगी जगह, जहाँ पर बिरयानी मिल रही हो 3,000 की और दही हो 2,500 की. जोशी जी को स्मेल आती है हर जगह, उसकी वजह से हम यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स को रिजेक्ट करने के बाद फाइनली ये लोग लकी है कि हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं. अपटाउन अपटाउन ना होना मुसाफिर भाई. सो गाइज, हम लोग अभी आए हुए हैं धोनी फॉल्स में और मोस्ट प्रॉब्ली हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका टाइमिंग 3 बजे तक था. लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं. मोस्ट प्रॉब्ली आगे वाले भी पूछ रहे थे, वैसे तो केरला से ही है लेकिन द व्यू लुक्स सो नाइस कि इट लुक्स वेरी परफेक्ट. और ऑलमोस्ट जो है सनसेट होने वाला है. ठीक है, और आगे का अगर आप व्यू देखना चाहो तो दिस लुक्स रियली 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 क्रेजी. ऐसा लाइफ में बहुत कम मौका मिलता है ऐसा देखने का ना, लेकिन आपको आज मौका मिल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा उठा लो. ठीक है, दिस इज धोनी फॉल्स का रास्ता. धोनी फॉल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन रास्ता जो है बड़ा ज़बरदस्त है. जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है, एंट्री क्लोज्ड. लेकिन स्टिल भाई के बड़े चुल थी कि भाई बार आके इधर तक तो देखते हैं. उसकी भाई तेरी तेरी नहीं थी चुल? नहीं, मेरी नहीं थी. उस भाई की चुल थी, ये पोस्ट ग्रेजुएट है. उसके बाद हमसे बार बार पूछ रहा है, बंद है बंद है बंद है. जा रहे अंदर, निराश होके आना पड़ेगा. इस धोनी वाटरफॉल्स में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान किया कि थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लिया जाए. तो अपने 2-3 लड़के जो साथ में चल रहे हैं, इन लोगों को भी दाढ़ी बनानी है, मेरे को भी दाढ़ी बनानी है. और हम लोग जा रहे हैं केल सिग्नेचर सैलून एंड स्पा. और ये मेरे को अश्विन भाई ने जो है वो रिकमेंड किया. और आकृति ने भी दाढ़ी बनवानी है. मेरे को भी थोड़ी दाढ़ी मेरी बढ़ गई है ना यार, तो
थोड़ा शेयर करा दिया। चलो भाई जो काफी अच्छा था। तो वरुण को हमने इतना अच्छा चीज बताया कि पूरा क्लीन शेव कर ले। नहीं नहीं भाई भाई इतना स्मार्ट लगेगा ये लड़का। नहीं लगना ही नहीं, स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट में नजर लग जाएगी। ट्राई कर सकते हैं, वैसे कर देते क्लीन शेव आज। चल भाई चल। ठीक है विशाल भाई आप क्या करोगे? कटवा देते ना पूरी दाढ़ी आपकी भी। आप कैसे कर चार यहाँ पर चार वो लगवा देते। सो पालाघाट का एक बहुत अच्छा सैलून है जो कि अश्विन भाई ने रिकमेंड किया, सो वी आर गोइंग देयर। थक गए हैं लेकिन स्टिल थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। चिलैक्स हो यार, छोटी कर लो। ठीक है, छोटी करवाने कुछ सेटिंग करवा लो, इधर कट लगवा लो ना। नहीं नहीं भाई कट होती है, शॉर्ट करना है। हां शेप कर लो थोड़ा अच्छा है, बस ऐसा चाहिए यार शेप। हां बस ट्रिम कर लो, ट्रिम करने अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, ये बिफोर है एंड वी विल सी कि आफ्टर वाला लुक जो है वो वरुण भाई का कैसे निकल के आता है। गाइस अभी वरुण भाई का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मीनवाइल विशाल भाई का भी स्टार्ट होगा, देन मेरी बारी है। सो मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा गिरी भाई। गिरी व्यास। सो अश्विन रिकमेंड मी कि आप जो है एक बार सैलों में ज़रूर जाओ। एंड मेरे को उम्मीद नहीं था कि पालागढ़ में इतना बढ़िया स्टोर होगा जहाँ पर जो है हमारा पूरा ग्रूमिंग वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सैलो, हाउ इट्स स्टार्टेड, हाउ इट्स गोइंग एंड और केरला में कैसा रिस्पॉन्स है? एक्चुअली इट स्टार्टेड लाइक दिस सैलून लाइक दिस दिस लाइक दिस इज एस्टैब्लिशमेंट लाइक स्टार्ट लाइक 2-3 इयर्स बैक। ओके एंड आल्सो दिस इज वन ऑफ द काइंड इन फर्स्ट वन ऑफ द काइंड इन केरला। ओके सो इन पालाकाड इट्स वेरी बिग सैलून, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग लाइक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम इवन फ्रॉम अनदर डिस्ट्रिक्ट लाइक कोयंबटूर आल्सो लाइक फ्रॉम तमिलनाडु आल्सो। ओके इफ यू वांट द नियरेस्ट सैलून ओवर द बिगेस्ट सैलून ओवर हियर इज लाइक द केरला सैलून सिग्नेचर सैलून फॉर पालाकाड। ओके सो आई होप लाइक बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड आल्सो लाइक या द मेन थिंग ओवर हियर व्हिच वी डू इज लाइक वी सर्व लाइक बिग सर्विस लाइक गुड सर्विस and also this is a L'Oreal approved saloon like otherwise with L'Oreal थोड़ा सा डस्ट लगा मुँह के ऊपर, थोड़ा सा मतलब रेस्टलेस से हो रखे थे, बट आज जो है थोड़ा सा सही हो जाएंगे। सो होप सो कि हम लोग जो अच्छे से दिखेंगे जाते हुए विल लुक गुड। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अगेन बेस्ट ऑफ लक ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, कहीं पर भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ यू आर एवर विजिटिंग पालाघाट सो मोस्ट वेलकम, ब्रदर के जो है सैलून में आप आओ और उसका पार्ट बनो। बाकी वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू, कुछ हम लोग भी करते हैं उसके बाद आपसे और बात करेंगे। बाकी जैसा बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, सो दिस इज़ योर क्रिसमस ट्री। ठीक है, क्रिसमस से बाद में हम लोग जो है शूट कर रहे हैं, सो दीज आर दी ऑल प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ किया जाता है। सो वी हैव काइंड ऑफ बिकम दी फैशन ब्लॉगर ऑल्सो। ठीक है, लेकिन इफ समथिंग इज गुड यू शुड शो इट। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वरुण इज ऑल्सो गेटिंग बेड सेट। तो भाई ओपन इट, ओपन इट, ओपन। भैया नोएडा से है। अच्छा नोएडा से है, नाइस। तो अब यहाँ पर फुल टाइम हो गए, अब नहीं जाते? नहीं जाता हूँ कभी कभी जाता हूँ। अच्छा हिंदी भी साफ है यार, भैया बिल्कुल साफ बोल रहे थे, बहुत बढ़िया भैया। इनको ना बिल्कुल चिकना सा बनाना है। ठीक है, सो गाइस दाढ़ी जो है वो सेट हो चुकी है। ठीक है भाई, ऑल थैंक्स टू हमारे जिशान भाई को। ठीक है भाई, जो है वो जेड वाले जिशान नहीं है, जे वाले जिशान है। ठीक है, और बाल जो है वो भी ओके। विशाल कैसी लग रही है दाढ़ी? सही है, बढ़िया लग रही है, दिल्ली वाली बातचीत है कि नहीं है? और बाल जो है भाई ठीक ठाक है, वैसे मेरे को टोपी पहनने की आदत है लेकिन स्टिल बाल भी करवा ली बराबर। और अब विशाल भाई की बारी बच रही है। ठीक है, विशाल भाई जो है कह रहे हैं मूछे रखूँगा बस, बाकी सब हटा दूँगा। तो अभी थोड़ा फेस क्लीन अप होना है, उसके बाद कुट्टू को। तो गाइज हम लोग बहुत चमकीले और काफ़ी गोरे गोरे से लग रहे हैं, थैंक्स टू लाइट ऑल्सो और थैंक्स टू हमारा फेशियल एंड क्लीनअप ऑल्सो।